नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ ललित। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने राज्य समाचार एजेंसी WAM के अनुसार भारत से गेहूं और गेहूं के आटे के निर्यात और फिर से निर्यात पर 4 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक है। दरअसल यूएई की अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने कहा कि यह कदम वैश्विक व्यापार प्रवाह में व्यवधान से प्रेरित था, लेकिन भारत ने स्थानीय खपत के लिए यूएई को गेहूं के निर्यात की अनुमति दी थी। बता दें कि 14 मई को भारत ने पहले से दिए गए साख पत्र यानी LC द्वारा गारंटीकृत और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करने वाले देशों को छोड़कर गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने तब से करीब 4,70,000 टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी है। वहीं एक बयान के अनुसार भारत के प्रतिबंध के प्रभावी होने के बाद 13 मई से यूएई में लाए गए भारतीय गेहूं को निर्यात या फिर से निर्यात करने की इच्छुक कंपनियों को पहले अर्थव्यवस्था मंत्रालय को आवेदन करना होगा। फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने एक दूसरे के सामानों पर सभी शुल्कों को कम करने और 5 वर्षों में वार्षिक व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ एक व्यापक व्यापार और निवेश का समझौता किया था। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार।